आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऑडियो वीडियो और मीडिया एलिमेंट्स HTML में किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोगों ने अपने वेरी फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग HTML के अंदर वीडियोस को एम्बेड कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से वीडियो को ऑटो प्ले किया जाता है, किस तरह से म्यूटेड वीडियो को रखा जा सकता है और किस तरह से आप लोग वीडियो के कंट्रोल्स को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग ऑडियो के बारे में भी बहुत क्लोजली देखेंगे कि मीडिया को ओवरऑल एक पेज में किस तरह से दिखाया जा सकता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि जो एग्जांपल्स मैंने यूज किए हुए ना वीडियो टैग्स के लिए वो बड़े धमाकेदार हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों इस बार मैंने वीडियो 10 नाम से फोल्डर बना लिया है और शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड खोलकर बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इनफैक्ट index.html बनाऊंगा। और आज के वीडियो का मुद्दा है वीडियो, कि वीडियो किस तरह से प्ले किया जाए, एक HTML फाइल के अंदर वीडियो किस तरह से डाला जाए, ऑडियो किस तरह से डाला जाए, मीडिया किस तरह से डाली जाए। तो वीडियो को ऐड करना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा इसको, जो कि हमारा वीडियो टैग है, इसका एक SRC एट्रीब्यूट होता है और इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि वीडियो SRC = ये लिखोगे आप जैसे ही यहाँ पर, तो video.mp4 अगर है आपके पास तो वो प्ले हो जाएगा। मेरे पास video.mp4 है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर। और मैंने कंट्रोल से यहाँ पर लगा दिया है और मैं यहाँ क्लिक करके इसको प्रीव्यू करूँगा और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये वीडियो आ गया है। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसकी विड्थ दे सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर width = 555 pixels और जैसे ही मैं 555 pixels करूँगा, इनफैक्ट मुझे px लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 555 करूँगा। जैसे इमेज में हमें px लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ भी हमें px लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही मैं width = 555 किया मैंने, इनफैक्ट मैं काम करता हूँ height = 555 करता हूँ ताकि ये और छोटा हो जाए। इनफैक्ट इसको और छोटा करता हूँ, मैं 255 कर देता हूँ और आप देखो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं इसे प्ले करता हूँ क्योंकि मैंने कंट्रोल से कहा मैं इसे प्ले कर सकता हूँ। यहाँ देखो अमेरिका से अच्छी रोड है अभी तो फिलहाल। मेरी मेरे क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। तो क्या है कि इस तरह से आप लोग जो है वीडियो प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वीडियो टैग के। देखो वीडियो टैग को यूज़ करना एकदम सिंपल है, आपके पास एक वीडियो होना चाहिए, वीडियो का जो आपने पाथ है वो दे दिया, उसके बाद आपने कंट्रोल्स लिख दिया तो ये कंट्रोल्स आ जाएंगे आपके पास। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, पिक्चर इन पिक्चर कर सकते हो, ये सब आपका ब्राउजर ऑटोमेटिकली प्रदान करता है। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला एट्रीब्यूट है SRC, ये तो आपको पता ही होगा कि यार वीडियो डाल दो यहाँ पर, वीडियो फाइल का नाम वो SRC है। ये वीडियो फाइल एक्सटर्नल URL से भी आ सकती है, समझ लो आप लोग, यानी कि अगर मैंने Amazon S3 पर या कहीं और वीडियो अपलोड कर दिया तो वहाँ का URL भी डाल सकता हूँ यहाँ पर मैं। मतलब ज़रूरी नहीं है आपके कंप्यूटर में ही वो फाइल, आपके सर्वर पे भी हो सकती है, थर्ड पार्टी से भी आ सकती है। अब कंट्रोल्स क्या करता है, एड्स वीडियो कंट्रोल्स लाइक प्ले पॉज एंड वॉल्यूम, जो कि हमने यहाँ पर देखा भूपेंद्र जोगी वाले वीडियो में कि आप यहाँ पर जो है कंट्रोल्स आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या है कि ये चीज़ ना ब्राउज़र ऑटोमेटिकली देखता है कि क्या कंट्रोल ऐड होंगे आपके वीडियो में, क्या नहीं होंगे। फिर देखो ऑटो प्ले क्या करेगा, ऑटोमेटिकली प्ले कर देगा जैसे ही पेज लोड होगा। ठीक है, तो ऑटो प्ले अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ, मान लो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ऑटो प्ले। ठीक है, यहाँ देखो आपने मार्केट की रोड है, कैसी क्या हो रही है, तो देखो अच्छी हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ऑटो प्ले हो गया। ठीक है, तो मैं ऑटो प्ले को हटा दूंगा यहाँ से। और अगला जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है लूप, यानी कि एक बार हमारा वीडियो प्ले हो गया तो वो लूप होता रहेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो आपने भूपेंद्र जोगी, यहाँ देखो आपने मार्केट की, तो ये दोबारा स्टार्ट हो गया। एक बार मैंने इसको जब खत्म किया तो ये दोबारा खुद से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये लूप जो है कुछ इस तरह से काम करता है। अगला एट्रीब्यूट है म्यूटेड, म्यूटेड वीडियो को म्यूट कर देता है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ म्यूटेड, कभी कभी हम चाहते हैं कि वीडियो म्यूटेड हो। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पर वीडियोस ऐड करता हूँ codewithhari.com पर और मैं कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, जैसे VS Code को डाउनलोड कर रहे हैं कुछ, तो मैं म्यूटेड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ है वो आपको सुनाई दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये एलिमेंट है, तो मैं ऐसे स्क्रॉल करके वीडियो बनाऊंगा, इसको ऐसे हाईलाइट करूंगा, तो उसमें मुझे ऑडियो नहीं चाहिए तो मैं म्यूटेड कर देता हूँ उसको। तो आप लोग अपनी वेबसाइट्स में म्यूटेड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पोस्टर, पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगर यहाँ पर, मेरे पास एक इमेज है download.jpg, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ poster = और मैं लिखता हूँ download.jpg, तो आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, ये इस तरह से दिख रहा है पोस्टर। फिर प्ले करूँगा तो वीडियो प्ले हो जाएगा, तो एक तरह से थंबनेल, ठीक है, यूट्यूब वीडियो का थंबनेल दिखा है ना, बिल्कुल वैसे ही ये पोस्टर एट्रीब्यूट। तो ये सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। विड्थ एंड हाइट, आपको पता है कि वीडियो के डायमेंशन को स्पेसिफाई करती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर विड्थ और हाइट दोनों ऐड करी आपने देखा, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब
इसके बाद जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो है ऑडियो। तो ये तो आपने वीडियो के सारे एट्रीब्यूट्स देख लिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं चाहता हूँ कि आप एक वेबसाइट बनाओ बढ़िया सी, जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो के एंड में भी देने वाला हूँ क्विक क्विज में। तो क्विक क्विज ज़रूर सुन लेना, इनफैक्ट मैं यहाँ पर डाल ही देता हूँ हेडिंग अभी से क्विक क्विज, ठीक है, ताकि मैं भूलूँ ना। ये मैं आपको अभी दूंगा और ये काफ़ी मज़ेदार क्विज होने वाली है और सब लोग इसको ज़रूर सॉल्व करना। लेकिन उससे भी पहले ऑडियो, जैसे ही आप लिखते हो यहाँ पर SRC आता है और SRC में sachin.mp3 में डालना हूँ, तो sachin.mp3 में जैसे ही डालूंगा अब यहाँ पर देखो रिलोड करूँगा इसको और यहाँ पर ऑडियो आई नहीं, विच इज़ स्ट्रेंज। देखता हूँ यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। SRC = मैंने ये डाला, मैं यहाँ पर कंट्रोल्स भी लिखना होगा मुझे, तो अगर मैं कंट्रोल्स नहीं लिखूंगा तो मुझे ऑडियो नहीं दिखेगी। देखो अब आ गई ऑडियो, यहाँ पर कंट्रोल्स मुझे दिख गया, इसकी वॉल्यूम भी सेट कर सकता हूँ मैं। तो प्ले करता हूँ इस ऑडियो को। सचिन क्या है, सचिन में लपू सा सचिन है, ठीक है। तो ये ऑडियो है हमारी, अगर मैं इसको म्यूट करके चलाऊं तो ये नहीं चलेगी और मैं आगे भी बढ़ा सकता हूँ इसको, लपू सा सचिन है, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया, तो ये sachin.mp3 नाम की ऑडियो है। अब हम क्या करेंगे कि इस ऑडियो के कुछ एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। SRC आपको पता है कि सोर्स वीडियो फाइल का, ठीक है। फिर इसके बाद कंट्रोल्स आप लोगों को पता है कि प्ले पॉज और वॉल्यूम, जो कि हमने अभी देखा। ऑटो प्ले क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली प्ले कर देगा अगर मैंने यहाँ पर ऑटो प्ले, सचिन क्या है सचिन में ऑटोमेटिकली प्ले हो गई, ठीक है। तो ऑटो प्ले करने से क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली प्ले हो गई ऑडियो हमारी। इसके बाद अगला एट्रीब्यूट जो है वो है लूप। लूप क्या करेगा, इसको रिपीट कर देगा। अगर मैं इसको लूप करना चाहता हूँ तो मैंने ऑटो प्ले कर दिया और मैं लूप कर दूं, सचिन क्या है सचिन में लपू सा सचिन है, एक बार सचिन क्या है सचिन, दूसरी बार लपू सा, तो आपने देखा ये रिपीट हुई, मतलब एक बार बज गई फिर उसके बाद दोबारा से बजी, क्योंकि लूप कर रखी थी मैंने ऑडियो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली, sachin.mp3 लूप कर दी मैंने, यानी कि एक बार बजी फिर बज गई फिर बज गई, ठीक है। सचिन क्या है सचिन, ठीक है, बार बार बोले जा रही थी वो, क्योंकि ये जो MP3 है वो बार बार प्ले होगी। तो कई यूज़ केसेस हैं इसके कि आप जब चाहोगे कि ये जो MP3 है रिपीट हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी MP3 रिपीट हो तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद जो है म्यूटेड क्या करेगा, म्यूट कर देगा ऑडियो को। एंड डेफिनेटली आप नहीं चाहते कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऑडियो म्यूट हो मोस्ट ऑफ़ द केसेस में, बट हम कभी कभी चाहेंगे कि जो ऑडियो हो वो म्यूटेड हो, और हम यहाँ पर बोल सकते हैं यूज़र को कि भाई जिसको सुननी हो अनम्यूट करके। सचिन क्या है, ऐसा कब करते हैं हम जो मल्टीपल ऑडियोज़ होती हैं, आप 5-6 ऑडियोज़ एक साथ दिखाना चाहते हैं, आप म्यूट कर सकते हैं उनको, जो मनचाहे यूज़र आपका प्ले करके अनम्यूट करके देख सकता है, ठीक है। तो आपके हाथ में कंट्रोल है, आप चाहो तो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुल मिलाकर ये बात है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, मज़ा आया होगा आप लोगों को। अब प्रीलोड सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाला एट्रीब्यूट, इसीलिए मैंने इसको codewithari.com पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जो प्रीलोड एट्रीब्यूट है इसकी ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। पहली वैल्यू हो सकती है नन, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू, इट इंडिकेट्स दैट द ब्राउजर शुड नॉट प्रीलोड द ऑडियो एट ऑल, ठीक है। प्रीलोड का मतलब पहले से अगर आप चाहते हो कि ब्राउजर डेटा को फेच कर ले तब आप प्रीलोड एट्रीब्यूट को यूज़ करोगे, वरना आप प्रीलोड एट्रीब्यूट को यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। प्रीलोड इज इक्वल टू नन डिफॉल्ट वैल्यू है। प्रीलोड इज इक्वल टू मेटा डेटा, मतलब कि ब्राउजर सिर्फ मेटा डेटा यानी कि उस ऑडियो फाइल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रीलोड करेगा, यानी कि पहले से लोड करेगा। और ऑटो करने से क्या होगा कि ब्राउजर प्रीलोड कर लेगा एंटायर ऑडियो को, ठीक है। तो प्रीलोड इज इक्वल टू ऑटो अगर मैं करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी, ताकि जब भी यूज़र प्ले करे इसको तो बच जाए ऑडियो, ठीक है। तो प्रीलोड एट्रीब्यूट का ये काम होता है और इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है जो प्रीलोड एट्रीब्यूट है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रीलोड एट्रीब्यूट क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यार इंटरेस्ट काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है जैसे जैसे हम वीडियोज़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि यार आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, और उसी के साथ साथ जैसे जैसे आप इस रिपोजिटरी को फोक कर रहे हो इसको स्टार भी करते जाना यार, ठीक है। आपका स्टार, आपके लाइक्स, ये सब काफ़ी हेल्प करेंगे मुझे इस तरह के फ्री कोर्सेज लाने में। तो यार ये था ऑडियो और वीडियो टैग्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको सारे एट्रीब्यूट्स भी बताए यहाँ पर, और आप लोग इसको डेफिनेटली यूज़ करना। ये जो सारी इमेजेस हैं ये मैं आपको दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से ट्राई आउट कर पाओ इस चीज़ को। अब बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हम रेप्लिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो इस कोर्स में मैंने रेप्लिट का इस्तेमाल नहीं किया है, बट replit.com इज़ एन अमेजिंग वेबसाइट अगर आप लोग चाहते हो आप फ़ोन में यूज़ करो, HTML वगैरह अगर आप लोग चलाना चाहते हो। रेप्लिट की ऐप भी है, iOS के लिए भी है, Android के लिए भी है, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि यार फ़ोन में कैसे करें कोडिंग रेप्लिट, लेकिन मैं अभी क्या चाह रहा हूँ ना कि VS Code जो कि मोस्ट ऑफ़ द लोग जो है यूज़ करना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना VS Code में मैं बनाऊँ वीडियोस। बट मैं पर्सनली काफ़ी जो है रेप्लिट का इस्तेमाल करता हूँ, इनफैक्ट वीडियोस भी आते हैं रेप्लिट में। अगला जो टॉपिक है वो SVG है, मीडिया से रिलेटेड। SVG क्या होती है, SVG एक फॉर्मेट होता है जिससे कि आप लोग जो है इमेज को
क्रिएट कर सकते हो काफ़ी हाई ग्राफिक्स वाले वेक्टर इमेजेस। तो कॉपी करोगे आप लोग तो इसमें बेसिकली सर्कल वगैरह ये सब आप बना सकते हो। तो SVG को बिल्कुल उसी तरह से यूज़ किया जाता है जिस तरह से यूज़ किया जाता है हमारे IMG टैग को। तो देखो अगर मैं यहाँ पर SVG डालूंगा तो ये SVG यहाँ पर आ जाएगी। तो देखो ये सर्कुलर SVG यहाँ पर आ गई। वीडियो ऑडियो SVG ये इनलाइन एलिमेंट्स थे इसीलिए एक ही हमें लाइन में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर क्या है कि आप SVG फाइल को अलग से भी सेव कर सकते हो, अलग से SVG फाइल को सेव कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ कि img.svg और SVG का कंटेंट इसमें सेव कर दूँ, तो अगर मैं यहाँ पर फिर img करके लिखूँगा इसको और SLC लिखूँगा img.svg, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि ये मुझे नहीं देखने को मिली इमेज। अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट लिख दूँ और लिखूँ my svg image, तो आप देखना यहाँ पर कि my svg image ऐसे आ गया, लेकिन svg मुझे देखने को नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो svg है, svg फाइल इन ब्राउज़र में लिखता हूँ, और svg फाइल आप जब भी ब्राउज़र में चाहेंगे कि आपको दिखे तो आप एक डिक्लेरेशन ऊपर डालेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा svg फाइल नॉट शोइंग, तो यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो का एक आंसर है जो कि आपको बता देगा। तो आपको ना ये लिखना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। XML कुछ इस तरह से, देखो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, नेम स्पेस डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको। तो ये जो SVG है ना, आपको ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। और अब आप लोग यहाँ पर देखो ये SVG दिख गई। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग फ्यूचर में जब भी वेबसाइट्स बनाओगे आप लोग अपनी अपनी, तो इस प्रॉब्लम में ज़रूर फंसेंगे। मैं फंसता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार जिन प्रॉब्लम में आप फंसोगे वो पहले ही बता दी मैंने आपको। आपको प्रॉब्लम आई नहीं है, मैंने प्रॉब्लम भी बता दी कि आने वाली है और सॉल्यूशन भी बता दिया। अगला टॉपिक है iframes। iframes भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि iframe से आप लोग एक दूसरी वेबसाइट को एम्बेड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये वेब पेज को मैं एम्बेड कर दूँ, तो मैं कुछ इस तरह से iframe का इस्तेमाल करके कर सकता हूँ। तो देखो मैंने लिखा iframe ये, और इस URL को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा, और आप लोग यहाँ पर देखो कि जो वेबसाइट है ये पूरी जो है एम्बेड हो गई यहाँ पर इतने से iframe में, ठीक है। आप डेफिनेटली चाहोगे कि ये बड़े iframe में आप एम्बेड करो, बट अगर आप चाहते हो कि ये एम्बेड हो जाए तो ये कुछ इस तरह से आप एम्बेड कर सकते हो। मैं काम करता हूँ इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो विड्थ इज इक्वल टू विड्थ लिखा हुआ है, विड्थ इज इक्वल टू कर देता हूँ मैं लेट्स से 122, हाइट इज इक्वल टू कर देता हूँ 444, ठीक है मान लो। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से आ गई, ठीक है। अब डेफिनेटली ये इस विड्थ में आ पा रही थी तो ये इसी लाइन में आ गई, बट मैं विड्थ को थोड़ा अगर बढ़ा दूँ, लेट्स से मैं विड्थ को कर दूँ 322, ठीक है। तो ये देखो ये पूरी यहाँ पर एम्बेड हो गई मेरी वेबसाइट, देख रहे हो आप लोग। तो एक वेबसाइट को आप एम्बेड कर सकते हो। एक और यूज़ केस आईफ्रेम का है यूट्यूब वीडियो। अगर आप चाहते हो आप यूट्यूब वीडियो को शेयर करके यहाँ पर एम्बेड पे क्लिक करोगे तो ये आपको आईफ्रेम कोड दे देगा, और आप यहाँ पर किसी भी तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एक पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जिस पॉइंट पर स्टार्ट करके आप लोग इसको शेयर करोगे वो टाइम यहाँ पर आ जाता है, जिसमें आपको दिखाता हूँ। रुको, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हो वीडियो, तो मैं क्या करूँगा शेयर पर क्लिक करूँगा, शेयर पे क्लिक करने के बाद एम्बेड पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट एट 1219 करूँगा और इसको कॉपी कर लूँगा, या कॉपी बटन है देखो, और इसको यहाँ पर अपने कोड में डाल दूँगा। तो ये आई फ्रेम को मैं ज़रा कमेंट आउट करता हूँ और नीचे जो आई फ्रेम है इसको डाल देता हूँ, ठीक है, वर्ड रैप कर लेता हूँ ताकि सही से दिखे कोड आपको। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको पेस्ट करने के बाद मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। देखो ये वीडियो यहाँ पर एम्बेड हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और मीडिया HTML में सिर्फ इतना ही होता है प्रीटी मच, ठीक है। मिसलेनियस हर टॉपिक में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट प्रीटी मच दैट्स ऑल अबाउट मीडिया। HTML में ऑडियो वीडियो मीडिया बस इतना ही है, दिस इज़ व्हाट यू विल यूज़ 95% ऑफ द टाइम्स, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक क्विक क्विज देता हूँ, और आपकी क्विक क्विज ये है कि क्रिएट अ वेबसाइट विच शोज वीडियोज ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है, एंड ऑडियोज ऑफ डिफरेंट categories. You can use YouTube videos in an iframe using YouTube's embedding feature. ठीक है, तो आपने करना क्या है, आप लोगों ने एक वेबसाइट बनानी है जिसमें आपको बहुत सारा कॉन्टेंट मिलेगा। अब आप वीडियो ऑडियो टैग्स का इस्तेमाल करके और YouTube के इस शेयर फीचर का इस्तेमाल करके, जिस तरह से मैंने ये YouTube वीडियो एम्बेड किया था यहाँ पर, उसी तरह से आप लोग भी एम्बेड कर सकते हो और एक बहुत ही बढ़िया सी वेबसाइट बनाकर मुझे दिखाना। आप लोग चाहो तो GitHub का कमेंट मुझे दे सकते हो, और उसी के साथ साथ आप चाहो तो मुझे कोड भी बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। बट इस क्विज को ज़रूर अटेम्प्ट करना और कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच ओपी ज़रूर लिख देना, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, सिग्मा बैच ओपी यार ज़रूर लिख देना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।